सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई पूरी, अब सोमवार को होगी अगली सुनवाई। यूपी में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम चुनाव के बाद होंगे प्री बोर्ड परीक्षाएं जनवरी में। राहुल गांधी की मांग, कोरोना के आंकड़े सही बताएं, कोविड पीड़ितों को 4 लाख मुआवजा मिले। मालेगांव विस्फोट मामले में आज विशेष एनआईए की टीम ट्रायल कोर्ट में पेश होगी साध्वी प्रज्ञा। गौतम गंभीर बोले, आईएसआई कश्मीर से मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। हर साल की तरह इस साल भी लगने लगे कपिलवस्तु महोत्सव में राजनीतिक हस्तियों का आगमन हो रहा है। कपिलवस्तु महोत्सव के साथ ही जिले में सांसद खेल महाकुंभ का भी आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने के लिए कई राजनीतिक मंत्रियों का आगमन इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अपने बाल्यकाल को गुजारा है और आज पूरी दुनिया के अंदर भगवान बुद्ध का संदेश, पूरी दुनिया के अंदर शांति, सहिष्णुता, करुणा, दया के माध्यम से दुनिया के अंदर आध्यात्मिक नई क्रांति लाने का काम किया है, इसलिए इस धरती को मैं नमन करता हूँ। आज मुझे सिद्धार्थ नगर के इस धरती पर कपिल महोत्सव कार्यक्रम में आने का मौका मिला, जहाँ उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक और संस्कृति की एक झलक नजर आई है। उत्तर प्रदेश की धरती। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहाँ कपिल वस्तु महोत्सव 5 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो गया है। इस कार्यक्रम में फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष और कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पहुंचे, जहाँ उन्होंने अपने कॉमेडी से दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस महोत्सव में उनको आने की इच्छा काफी दिनों से थी। यहाँ आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और वह किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून वापस हुए हैं और पीएम मोदी के इस निर्णय से अधिकांश किसान खुश हैं। फरुखाबाद के जहानगंज के रतनपुर में पुरानी रंजिश की वजह से दबंगों ने घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की और बीच बचाव करने आई एक महिला और उसके भाई को भी दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। घटना में महिला के बेटे की शादी के जेवर और रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए और 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल में रेफर किया है। मतलब पड़ोस के ही है, ठाकुर ही है, उन्होंने ही मारा, इसी बात पे मारा, इन्होंने बीच बिचाव किया इसीलिए मारा है। इस बात पे खुन्नस रखे थे और खुन्नस की वजह से इन्होंने मारा है। क्या क्या है, दबंग लोग हैं क्या? बहुत दबंग है। ठंड के आते ही सड़क हादसे में बढ़ोतरी होती जाती है। घने कोहरे की वजह से आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है। वहीं ताजा मामला लखीमपुर खीरी से है, जहां अलग अलग जगह से सड़क हादसे की घटनाएं आई हैं, जहां 3 की मौत हो गई है जबकि करीब 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में चल रहा है। तीनों हादसों में हुई मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। लखीमपुर खीरी से हम आपको घटना दिखा रहे हैं, जहां रफ्तार का कहर लगातार जारी है। घने कोहरे की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो धीरज, किस तरीके की जानकारी मिल पा रही है, कितने हादसे हो चुके हैं कोहरे के चलते? बिल्कुल बता दूं, जिस हिसाब से जानकारी है, लखीमपुर खीरी जो है आज हादसों का दिन भी कहा जाएगा। जैसे कि अलग अलग तीन घटनाएं लखीमपुर में एक्सीडेंट हुआ, हादसे की जिसमें 3 की मौत, करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। पहली घटना दौरारा कोतवाली क्षेत्र की है, दूसरी घटना नीमगांव कोतवाली क्षेत्र की है और सदर कोतवाली LRP चौराहे का मामला है, जहां पर अलग अलग
ट्रक और बस की टक्कर हुई। एक चीनी लोड करके लखीमपुर से जा रही ट्रक जो है वो नदी में गिरी, जिसमें दो लोग लापता है। एक जो बरामद किया गया जिसका इलाज चल रहा है लखीमपुर जिला अस्पताल में। अलग आज लखीमपुर खीरी का बहुत ही बुरा दिन है कहा जाएगा। हादसों का जैसे कई एक दर्जन से अधिक लोग घायल हैं, कई हादसे हुए हैं, मौत की सूचना भी मिली है। जी अलग अलग हादसों में तीन की मौत है, करीब एक दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो खबर लखीमपुर से है जहां सड़क हादसे में तीन की मौत हो गई है और कई लोगों के घायल होने की सूचना मिल रही है। आजमगढ़ की एसओजी और गंभीरपुर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए हत्या के मुकदमे और गवाह के कत्ल की साजिश कर रहे शूटर और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी होने पर एसपी आजमगढ़ अनुराग आर्य ने बताया कि इस साल आरोपियों ने जनवरी में गंभीरपुर थाना अमौड़ा के प्रधान मनीष राय की हत्या की गई थी। पुलिस की सफलता पर एसपी की तरफ से संयुक्त टीमों को 15,000 के पुरस्कार की घोषणा की गई है। वादी मुकदमा और गवाह मुकदमा की हत्या की प्लानिंग करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक अभियुक्त योगेश सिंह उर्फ गोलू जो थाना कैराकत जिला जौनपुर का रहने वाला है, इसको आज सुबह लगभग 4:15 बजे पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसके पैर में गोली लगी है, इसको इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ वर्तमान में इसका इलाज चल रहा है। इसके साथ साथ पुलिस के द्वारा पंकज मिश्रा जो थाना गंभीरपुर अंतर्गत का रहने वाला है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों से विस्तार में पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई है, एसओजी टीम के द्वारा की गई है। पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि पंकज मिश्रा 2021 में जनवरी 2021 में थाना गंभीरपुर में एक मनीष राय की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उस मुकदमे में पंकज मिश्रा जेल गए थे जहां से जमानत पर वर्तमान में था। इसके साथ साथ जनपद जौनपुर जेल में दीपक राय नाम का एक अभियुक्त है जो वर्तमान में जेल में है, ये भी उसी मुकदमे में जेल गया था 302 के मुकदमे में। और इसके साथ साथ दो व्यक्ति छवि राय और अनुज राय और शूटर के रूप में योगेश सिंह उर्फ गोलू, ये पांच लोग मिलकर इन्होंने प्लानिंग की थी। जो मुकदमा जनवरी में लिखा गया था थाना गंभीरपुर में 10/21 उसके वादी मुकदमा और गवाह मुकदमा की हत्या करने की प्लानिंग इन लोगों के द्वारा की गई थी। इस पूरी साजिश में पांच लोगों के नाम अभी पूछताछ में प्रकाश में आए हैं, जिनमें से दो पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। एक शूटर के रूप में चिन्हित था, दूसरा प्लानिंग में शामिल था और एक व्यक्ति जेल में है और दो लोग अभी फरार हैं। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो राकेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है उस दौरान उन्होंने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? जैसा कि आप बताए चले कि आजमगढ़ में कुछ दिन पहले एक हत्या हुई थी जिसमें कुछ दो अपराधी काफी दिनों से फरार चल रहे थे और पुलिस दबिश दे रही थी, जो कि आज आजमगढ़ के गंभीरपुर थाने में दोनों चेकिंग अभियान सूत्रों से चेकिंग अभियान चालू हुआ, जिसमें दो अभियुक्तों के पुलिस से फायरिंग की, जिसमें दो एक घायल हुआ है और एक को जिला अस्पताल के हायर सेंटर से भेजा गया और दोनों की हालत अभी ठीक है और पूछताछ की जा रही है। और क्या कार्रवाई की जा रही है इनके ऊपर? इनको बता दें कि इसमें जो भी इसमें कुछ दिन पहले जो हत्या हुई थी उसमें कई बार इसमें वांछित रहे हैं और इनके जो भी इनके पास से असलाह पकड़े गए हैं और बाइक पकड़े गए हैं, कुछ नगदी कुछ पैसे भी पकड़े गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। उन्नाव के थाना सदर कोतवाली के करोवन गांव में कोरोना वैक्सीन लगवाने के दौरान एक नशेड़ी युवक ने महिला स्वास्थ्य कर्मियों से अभद्रता करते हुए गाली गलौज करना शुरू कर दिया और जैसे ही युवक ने वीडियो बनता देखा तो उसने महिलाओं पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस को बुलाया और नशेड़ी युवक को पुलिस को सौंप दिया। खबर उन्नाव से है जहां महिला स्वास्थ्य कर्मियों से अभद्रता का मामला सामने आया है, जहां नशेड़ी युवक ने महिलाओं के साथ अभद्रता की है। जब युवक ने अपना वीडियो बनता देखा तो उसने महिलाओं पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। मामले की जानकारी आते ही लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची
पुलिस के हवाले युवक को सौंप दिया गया। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चैतन ने हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो चैतन ने क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके की वारदात हुई है वहां पर? मैं बताना चाहूंगा कि युवक जो है वो बताया जा रहा है कि नशे में था और महिला कर्मचारियों से जाके वहां पे गाली गलौज करने लगता है, और कोविड टीकाकरण के दौरान महिला स्वास्थ्य कर्मियों के साथ उसने अभद्रता भी की, ऐसा महिला कर्मियों स्वास्थ्य कर्मियों का आरोप है। और स्वास्थ्य कर्मियों ने जब देखा कि मामला ज्यादा बढ़ रहा है तो उन्होंने पुलिस को भी बुलाया। जी, जब उसको गिरफ्तार किया गया है उसके आगे की किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? औपचारिक तौर पे पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको थाना ले आई है और थाने पे उससे पूछताछ की जा रही है, आखिर वजह क्या थी अभद्रता की, और पूरी मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया चैतन ने हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। आजमगढ़ के जिलाधिकारी कार्यालय पर हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। और पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 9 नवंबर को हिंदू युवा वाहिनी के जिलाधिकारी तो आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद आज तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज में स्थायी अधीक्षक की नियुक्ति नहीं हुई, ना ही किसी और डॉक्टर की नियुक्ति की गई है। प्रकरण यह है कि महाराजगंज कोई भी डॉक्टर एमआईसी जो वहाँ है वह 4 वर्ष से मिर्जापुर जो पोस्ट है उनकी जिम्मेदार है, वह 3 बजे के बाद 2 बजे के बाद आते हैं वहाँ पे, और डॉक्टर वहाँ एक ही डॉक्टर हैं। डॉक्टर से उनका भी ट्रांसफर कर दिया, जो भी डॉक्टर थे इस्तीफा दे दिया, पता नहीं चल दिया, आपको नहीं बता पाएंगे। मैं कई बार जो है CMO साहब से मिला, DM महोदय से मिला, अन्य मैं उसका व्हाट्सएप में मंत्री को भेजा हूँ, आश्वासन तो मिलता है कि कार्रवाई इस पर कोई नहीं होती। अगर 25 तक कार्रवाई नहीं हुई, मैं दिनांक 26/12 को महाराजगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर धरने पर बैठूंगा, धरना मेरा जब तक चलेगा। लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध के चलते अब सरकारी चीनी मिलों का शुभारंभ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नहीं करेंगे। बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा आज दोनों सहकारी चीनी मिलों का शुभारंभ किया जाना था, लेकिन भारतीय किसान यूनियन द्वारा इसका विरोध किया गया था। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने सहकारी चीनी मिलों से में पेराई सत्र का शुभारंभ किया तो जिले के किसान चीनी मिलों में गन्ना नाल ले जाकर DM के कार्यालय में ले जाकर पहुंचेंगे। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां चीनी मिलों का नहीं हुआ है शुभारंभ। चीनी मिलों का शुभारंभ ना होने से किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने सहकारी चीनी मिलों में पेराई सत्र का शुभारंभ किया तो जिले के किसान चीनी मिलों में गन्ना ले जाकर DM के कार्यालय में ले जाकर पहुंचेंगे। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां चीनी मिलों के शुभारंभ पर बात चल रही है, जहां चीनी मिलों का शुभारंभ हुआ है, किसानों ने किया है धरना प्रदर्शन। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा था कि अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने सहकारी चीनी मिलों में पेराई सत्र का शुभारंभ किया तो जिले के किसान चीनी मिलों में गन्ना न ले जाकर DM के कार्यालय में लेकर पहुंचेंगे। और इस हर खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो धीरज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके का धरना प्रदर्शन चल रहा है वहां पर? देखिए, अभी करीब एक माह पहले जो लखीमपुर चुकनिया कांड मामला हुआ था, उसी मामले को लेकर किसान जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब यहाँ पर किसानों के द्वारा विरोध किया जाए तो सरकारी चीनी मिलों का शुभारंभ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के द्वारा होना था आज, लेकिन किसानों के द्वारा जब विरोध किया गया तो वहां पर जो केंद्रीय राज्य मंत्री का प्रोग्राम हटा करके फिर DM के द्वारा आज जो है शुभारंभ कराया जाएगा। किसानों का साफ तौर से कहना था अगर वहां पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय सेनी के द्वारा शुभारंभ कराया जाएगा, पूजा अर्पण करा करके
ट्राई सत्र की शुरुआत की जाएगी, तो किसान जो है सिंगल को गन्ना न देकर गन्ने की भरी हुई ट्रालियां लेकर सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचेंगे। धीरज, और क्या क्या मांगे लेकर पहुंचे हैं किसान और किन बातों को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है? देखिए, किसानों का साफ तौर से कहना है कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय सैनी का जो अपने पद से इस्तीफा उनका नहीं लिया जाता है, तब तक धरना जारी रहेगा। और अगर उनसे दोनों मिलों में अगर पूजा अर्चना करा करके शुभारंभ त्राई सत्र का किया जाता है, तो पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से टिकुनिया कांड से ही जुड़ा मामला चल रहा है। लेकिन फिर अगर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जाता, किसान बराबर जो विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। चलते क्या शासन प्रशासन द्वारा कोई अभी निष्कर्ष निकला है? बिल्कुल, जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय सैनी के द्वारा जो पूजा अर्चना का शुभारंभ कराया जाना था प्राइवेट पत्रकार मिल में, वो कार्यक्रम हटा दिया गया है। केवल जिलाधिकारी के द्वारा पूजा अर्चना कर कार्यक्रम जो प्राइवेट सत्र का शुभारंभ किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो लखीमपुर खीरी की घटना हम आपको बता रहे थे, जहां किसानों ने किया है आज धरना प्रदर्शन। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए आरोपियों पर शिकंजा कसा है। बता दें कि पुलिस ने जनपद के 56 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक अभियुक्त परौर थाने से है, जबकि जलालाबाद थाना से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि पूरे जनपद से कुल 56 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। शाहजहांपुर पुलिस ने विगत 24 घंटे में 56 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है, 56 की, इसमें से 3 अभियुक्त अवैध शस्त्रों के मामले में गिरफ्तार हुए, इनके पास तमंचा बरामद हुआ है। 25 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं अवैध शराब के निष्कर्षण के मामले में, इनके पास से कुल 380 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है, 3000 लीटर लहन नष्ट की गई है, 5 भट्टियाँ बरामद हुई हैं, इसमें 25 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और 28 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई NBW और 151 के मामले में, इनका कुल 56 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करके आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आपने सुना क्या? torrent.org पर रजिस्टर और KYC कंप्लीट करने पर आप पा सकते हैं 5000 शिबा कॉइन, और अगर आप अपने दोस्तों को रेफर करते हैं तो 10000 शिबा कॉइन। टोरेंट टैक्स है तो सेफ है।